अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट आशीष। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीवो का जो V11 Pro उसका जो एक नया अपडेट आया है जो कि 459 MB का है, तो उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। और साइज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा याद नहीं है दोस्तों, सॉरी। तो ये जो नया अपडेट है इसमें आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे जो कि सिस्टम के बारे में है, जो कि आपका सिक्योरिटी के बारे में, जो मतलब आपका फेस अनलॉक जो है और फिंगरप्रिंट जो है, तो उसके बारे में चलिए अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं अपडेट के बाद हमें क्या क्या नया फीचर्स मिलता है। तो स्टे ट्यून गाइस, अभी हमारा अपडेट बस कंप्लीट होने ही वाला है, बस कुछ ही देर में रिस्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, मेरा तो अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मैं सेटिंग्स में लेके चलूँगा और अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद चलते हैं हम सिस्टम अपडेट्स। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगा कि देखिए मेरा फंटा जो इसका जो 1.7.11 वाला अपडेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं सिस्टम के बारे में, कैमरा के बारे में, फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में, सिस्टम का जो है कुछ कुछ इन्हांसमेंट मिलता है, साथ में साथ सिक्योरिटी पे थोड़ा उसका लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्टिमाइजेशन टच स्क्रीन का ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों ने बोला कि उनका टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, 1 से 2 मिनट तक वर्क नहीं कर रहा है। मेरे तो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है दोस्तों। मैं कल रात से इसे टेस्ट कर रहा था, आज ही मैं इसका वीडियो कम्प्लीटली बना रहा हूँ। तो मेरा तो सारा एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपका कैसा काम कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप नीचे बताइए दोस्तों। तो चलिए इसके कैमरा को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मिला है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगर मैं नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसका फोटो मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ रहा है। पहले जो इसका HDR था थोड़ा कम आ रहा था, अभी ठीक से डायनेमिक रेंज आ रहा है और HDR भी ठीक से आ रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। तो मैंने जब ट्राई किया इसका फेस अनलॉक भी बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है दोस्तों, पहले से थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। तो साथ में साथ आपको इसका ऐप सारा बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है, बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है। तो मेरे तो डिवाइस में कुछ इशू नहीं है दोस्तों, मैं करीब 11 या 12 घंटे से टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। अपडेट तो बहुत पहले ही आ चुका है दोस्तों, तो मेरा बहुत फाइन चला है, बहुत ही अच्छा चला है मेरा स्मार्टफोन। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है ताकि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो बस हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।